स्नेहा, एक्चुअली आशिमा ने मुझे बताया कि ऑफिस में एक इमरजेंसी आ गई है और अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचा तो वहां बात और बिगड़ जाएगी। ठीक है अर्जुन, मैं कैंसिल कर दूंगी। अब स्नेहा प्लीज नाराज मत होना। नाराज तो मैं तुमसे हूं अर्जुन। बाबा जी, एसीपी मधोक आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ तो बुला ले। ये क्यों आया, इसे कुछ पता तो नहीं लग गया? अरे वाह बाबा जी, प्रणाम। क्या बाबा, कमाल करते हो तुम भी यार, शतरंज का खेल वो भी अकेले, मतलब हारने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। मधोक साहब, क्या लेंगे आप? ए ठंडा लेके आ बेटा, जा चल। बताइए, हम लाते हैं उनके लिए प्यार से डंडा और वो पिलाते हैं हमको ठंडा। मधोक साहब, डंडे की क्या जरूरत है, हम तो बातों से ही मान जाते हैं। कैसे आना हुआ बाबा? हम किसी को खोजते हुए आए हैं, हमें लगा वो यहीं पर होंगे। आपके भाई है ना? हमारे भाई? हाँ। हमारे माँ बाप ने तो हमें अकेला ही पैदा किया, ये भाई कहाँ से आ गया? वैसे किसे ढूंढ रहे हैं आप? कॉन्डोम बाबा, यहाँ नहीं है वो? सरकार, हमारा घर है ये, कोई चिड़ियाघर नहीं है। कोई भी अंटसंट नाम का प्राणी आपको यहाँ मिल जाएगा। बिरादरी तो एक है ना बाबा, मिलना तो यहीं चाहिए ना। अरे भाई, हमारी बिरादरी से कैसे, कोई नाम लगा के विदूषक कोई बाबा थोड़ी ना बन जाएगा। राइट, मतलब बाबा पहलवान तो एक ही है, बाकी तो सब बाबा बाबा ब्लैक शीप वाले। राइट, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। हाँ, आदेश करी। आपको क्या काम है इस कॉन्डम बाबा से, कोई कांड वांड तो नहीं कर दिया इसने? बाबा गलत बात, अभी आपने कहा ना कि हर बाबा कांड करे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। जैसे आप कोई कांड नहीं करते, दूसरा भी नहीं कर सकता। हम तो बस केवल पूछताछ करने आए थे, जानकारी लेने। किस तरह की जानकारी? बाबा मस्तबंदी के बारे में, कॉन्डम बाबा ने रेडियो पे क्या आ गए, घर घर में छा गए यार, मतलब कमाल का है मीडिया का सर, आसपास भी कोई नहीं देखता। वैसे बाबा आपका क्या ख्याल है? किस बारे में? यही मस्तबंदी के बारे में, कॉन्डम के बारे में। क्या आपसे एक सवाल और पूछे? पूछो। आपने अपने किसी ग्राहक को, मतलब आई एम सॉरी, किसी मरीज को कॉन्डोम लेने की सलाह दी है? नहीं नहीं नहीं, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी जो हम अपने ग्राहकों को कॉन्डोम झोंडम दें। अरे ऐसा करेंगे तो आंगन में लगा हुआ अश्वगंधा का पौधा ना सूख जाएगा। मतलब आप ये कॉन्डोम वंडोम में भरोसा नहीं करते ना जी? हमारे पास जड़ी बूटियां हैं जो वही काम करती हैं, आपको चाहिए? अरे नहीं नहीं, चीची आपने इस्तेमाल की है? नहीं का जरूरत, हम क्यों करेंगे? अरे वो ब्रह्मचारी को ना भाई नारी। आहा, बाबा कमाल कर दिया आपने, दिल जीत दिया। वैसे एक बात और कहेंगे बाबा हम आपसे, आपने इस पृथ्वी पर एहसान किया है, बाबा पहलवान टू, मतलब अपनी औलाद को पैदा ना करके। सेवा सर्वोपरि। आहा, सेवा के अलावा हमको कुछ नहीं आता। क्या बात है। और ना हमको कुछ भाता, हमारे लिए तो सेवा मछली की वो आंख है जिसपे अर्जुन का बाण है। बाबा यही वो अर्जुन है जिसने दिगंबर की आंखों में आंसू ला दिया था। लेकिन ये महाभारत में कौन सा दिगंबर आ गया जो अर्जुन आंख पे तीर चला रहा है उसकी? बाबा ये वो अर्जुन नहीं, ये है आज के अर्जुन जो कि वकील है, आप जानते हो ना, और ये भी कम योद्धा नहीं है बाबा। इसको तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, अरे इसकी वजह से तो हमारे 3 लौंडे जेल में चढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब आपको भी दिगंबर की तरह अर्जुन से बैर है? ना जी ना, हमारा हमारा क्या बैर, हमारा थोड़ी ना उसने कुछ बिगाड़ा है। बात तो सही कह रहे हो बाबा, लेकिन आगे भी नहीं बिगाड़ेगा इस बात की क्या करेंगे? ये बात भी सही है, कल को क्या हो जाए किसको क्या पता है जी। बाबा
आदेश करें हम निकले। वैसे एक बात बोलना चाहेंगे आपसे, आपसे मिलने आते ना तो दिल गदगद हो जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, गुदगुदी से होने लगती है। बाय बाय। अच्छा बाबा, आपको वो मिलेंगे कॉन्डोम बाबा, तो क्या ना हमने याद किया है, चले आए हम तक। तेरे बाप का नौकर लग रहा हूं ना जो कह दूंगा। अबे कॉन्डोम बाबा से तेरा बाप मिल गया होता तो मेरे धंधे में फंदा नहीं होता। बहुत करता है कॉन्डोम बाबा, इसके बाप का नौकर लग रहा हूं। मीना जी, बंदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सच मानो तो तुमने ही मुझे बचाया। कैसी बात कर रही हो यार तुम? तुम दोस्त हो ना मेरी, दोस्ती में इन सब चीजों का हिसाब नहीं रखते। ये क्या लिख रही थी? पता है पन्ना, परसों आई थी स्नेहा जी मेरे पास, और उन्होंने मुझसे बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मीना तुम जिंदगी में क्या चाहती हो, और मैं जवाब ढूंढ ही नहीं पाई। ये सवाल ही ऐसा है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इस सवाल का जवाब हो। पर फिर उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि तुम अपने विचारों और इच्छाओं को एक निबंध के रूप में एक कागज पर उतार लो। सो मैंने कर लिया। वाह, पढ़ो। तुमने लिखा है ना, तुम पढ़ो, मैं सुनूंगी। मैं मीना बोल रही हूँ। मीना जी, ऊंचा बोलो। मैं मीना बोल रही हूँ। पिताजी कहते थे मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। फिर मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर स्नेहा माथुर से, और मेरा जो डॉक्टर बनने का सपना था ना, वो लक्ष्य में बदल गया। अगर मैं ज़रा सी भी स्नेहा जी जैसी बन गई ना, तो मैं ये समझ लूँगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। क्या बात है, कुछ ज्यादा तो नहीं लिख दिया ना? बिल्कुल भी नहीं। सच बताऊं तो मैं भी इसी बात में यकीन रखती हूँ। सेम सेम। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों में? कुछ नहीं। वैसे निबंध तो अच्छा लिखा है तुमने, पर कुछ छोटी सी बातें हैं जो मैं उसमें बदलना चाहती हूँ। सी बात से आज तो मीना लिखती है कि वो डॉक्टर स्नेहा की तरह बने, पर डॉक्टर स्नेहा माथुर चाहती है कि वो मीना ही बनी रहे, और एक बेहतरीन डॉक्टर, डॉक्टर स्नेहा से भी बेहतर। नहीं स्नेहा जी, आप मुझे शर्मिंदा कर। क्यों, तुम क्यों किसी और की तरह बनना चाहती हो? देखो, अगर तुम एक काबिल डॉक्टर बनोगी तो सबसे ज्यादा गर्व मुझे होगा, और तुम्हें ऐसी क्या कमी है जो तुम्हें किसी और की तरह बनना पड़े? तो मीना मीना ही बनेगी। ठीक है स्नेहा जी, मैं मीना ही बनूंगी। मीना नहीं, डॉक्टर मीना। सेम सेम। बोलो आशिमा। अर्जुन, तुम्हें मुंबई में होना चाहिए। आई नो, मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ वापस आने की। अर्जुन, हमें इतना बड़ा केस हार चुके हैं, क्लाइंट गुस्से से पागल हो रहा है, वो तुमसे जानना चाहता है कि ये सब कैसे हुआ। आशिमा, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। नो अर्जुन, यू डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हारे एक जुनून की वजह से इतने बड़े कारोबार का ये बुरा हाल हो रखा है। आशिमा, मैं मानता हूँ कि हमें केस हारे हैं, मगर ऐसा पहली बार हुआ है अर्जुन। ये सिर्फ एक केस हारने की बात नहीं है। तो क्या बात है? नहीं अर्जुन, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। शिमा, तुम तो मुझे जानती हो ना? नहीं अर्जुन, तुम बदल गए हो, और इस बदले हुए अर्जुन को मैं जरा भी नहीं जानती। आशिमा, जस्ट काम डाउन। ओके, काम डाउन, शांत हो जाओ। मैं वहां आकर सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करोगे?
कोर्ट का फैसला बदल दोगे? अर्जुन, मैं यहाँ अकेली सब कुछ संभाल रही हूँ, मगर ये तुम्हारा काम है। आशिमा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अर्जुन, मैंने 7 साल तुम्हारे साथ काम किया है, अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल तुम्हारे साथ गुजारे। आशिमा, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वाह अर्जुन, कितना आसान है तुम्हारे लिए ना, इतना बड़ा धोखा देके तो शब्दों में निपटा दिया आई एम सॉरी। किसी का दिल दुखाया है अर्जुन। आशिमा, आशिमा, मैं एक बार मुंबई आ जाता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। किसी और का तो पता नहीं है अर्जुन, लेकिन हम दोनों को अकेले में बैठकर बात करने का मौका ही कब मिला? तुम्हारा ध्यान ही यहाँ कहाँ था? यहाँ क्या हो रहा है? आशिमा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक बार मैं मुंबई वापस आ गया तो जैसा तुम चाहोगी ना वैसा ही वक्त गुजारूंगा। We will talk, okay? अभी घुटन सी होने लगी है अर्जुन, ये केस का हारना आने वाले तूफान की पहली चेतावनी है। I promise, आशिमा। गौरी, मासिक धर्म बीते कितना समय हो गया? 1.5 महीने से भी ज्यादा। कोई भारी मजदूरी तो नहीं कर रही हो ना? नहीं पन्ना, अब तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पहली बार माँ बन रही हो, कैसा लग रहा है? पहले दिन से ही तुमने जो मेरा हाथ थाम लिया था, अब तो मैं सारा काम पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ करती हूँ। और जो मेरी सासू माँ है, उनको भी अच्छा सबक सिखाया मैंने। अरे वाह, कैसे? अरे वो पिछली बार ग्रहण लगा था ना, मैं सब्जी काट रही थी तो सासू माँ कहती सब्जी मत काट वरना बच्चा विकलांग पैदा होगा, तो मैंने भी कह दिया ये सब फालतू की फिजूल बातें हैं, और वो मान गई। अरे पन्ना, सास है, आसानी से मान जाएगी क्या? फोन में इंटरनेट लगाया और उन्हें दिखाया पूरे ग्रहण का विज्ञान। अच्छा, तूने वो चुटकुला सुना है सास वाला, जिसमें जिसके घर 2 लड़कियां हुई? नहीं तो सुना। एक बार एक पति पत्नी के एक के बाद एक 2 लड़कियां पैदा हुई, ठीक है, उनको बड़ी खुशी हुई, लेकिन लड़की की माँ को लड़का चाहिए था तो, और उसने सारे गांव में ये बोल दिया कि जो दूसरी औलाद हुई है ना वो लड़का है। हाय राम, फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर लोग आए तोहफे लेकर, उन्होंने जब बच्चे को उठा के लाड करना शुरू किया, बच्चे ने सुसू कर दिया। अब जब उसका लंगोट बदला तो एक औरत बोल पड़ी कि ये तो लड़की है। फिर सब सास की तरफ देख रहे थे, सास ने गला साफ किया और ऐसे बोली कि है तो ये लड़का ही, बस थोड़ा सा माँ पे चला गया। पन्ना, वैसे इस चुटकुले के पीछे कितना दर्द छिपा है ना? इसीलिए तो मैंने सुनाया तुझे, औलाद तो जिगर का टुकड़ा होती है, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की। ये चुटकुला अपनी सासू माँ को जरूर सुनाऊंगा। पक्का सुनाना। हेलो। हेलो पन्ना। हाँ अरे भाई बोलिए। वो गुलाबी को बहुत दर्द हो रहा है, लगता है प्रसव का टाइम आ गया। भैया आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने अस्पताल में उसका पंजीकरण कर दिया है, आप 108 नंबर पर फोन मिलाएं और एम्बुलेंस पहुंच जाएगी निशुल्क, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। गौरी तुम भी याद रखो ये 108 नंबर एम्बुलेंस, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो इस नंबर पर फोन करना, वो तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, गुलाबों को मेरे साथ की जरूरत है, क्या पता आज ही अच्छी खबर मिल जाए। कहाँ हो तुम अर्जुन? घर कब तक पहुंचोगे? स्नेहा, एक्चुअली मुझे अर्जेंटली मुंबई जाना पड़ा। पर अर्जुन, मैंने आज शाम को बहुत सारे लोगों को घर खाने पर बुलाया,
मैं आज अपने स्वास्थ्य केंद्र के बारे में उन लोगों से बात करने वाली थी। स्नेहा, एक्चुअली आशिमा ने मुझे बताया कि ऑफिस में एक इमरजेंसी आ गई है और अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचा तो वहां बात और बिगड़ जाएगी। ठीक है अर्जुन, मैं कैंसिल कर दूंगी। स्नेहा प्लीज नाराज मत होना। नाराज तो मैं तुमसे हूं अर्जुन, पर तुम्हारी मजबूरी भी समझती। थैंक्स स्नेहा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मुंबई पहुंचते ही मुझे कॉल करना। श्योर, थैंक यू, बाय, हैव अ सेफ फ्लाइट। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। और नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी की और आपकी सेवा में। बुआ जी, हमारे बहुत से श्रोताओं के खत आए हैं, उन्होंने फोन भी किए हैं मुझे। हाँ, हमने भी सुना है, वो हमारी कव्वाली बहुत पसंद की जा रही है। हाँ, और वो चाहते हैं कि कव्वाली उनको फिर से सुनाई जाए। हाँ, तो दिक्कत क्या है सुनाने में? सुना देते हैं बबलू। हाँ। सुना दो भैया एक बार फिर से। और हाँ दोस्तों, आप इसको अपने फोन पे भी देख सकते हैं। हाँ। हमें सुख चैन मिला शौचालय बनाने से, बीमारी भगाने से, स्वच्छता को लाने से। हमें सुख चैन मिला शौचालय बनाने से, बीमारी भगाने से, स्वच्छता को लाने से। पहले हम जाते थे लोटा लिए मैदानों में, सारे माहौल को बदल दिया पैखानों में। कोई आता लगे तो हम दुबक से जाते थे, जरा सा झुक गए तो खास गुदगुदाते थे। न जाने हमको हो गया था ये भरम कैसे, खुले में वस्त्रहीन हम बेशरम जैसे। हमें सुख चैन मिला शौचालय बनाने से, बीमारी भगाने से, स्वच्छता को लाने से। हमें सुख चैन मिला शौचालय बनाने से, बीमारी भगाने से, स्वच्छता को लाने से। लोगों से छिप छिपा कर हम खुले में जाते थे, लज्जा के नाम पर बस चेहरा ही छुपाते थे। जिन्हें हम दिख गए वो उंगलियां उठाते थे, हमारी बेबसी का वो मजाक उड़ाते थे। कोई फायदा नहीं है छाती पीट रोने से, मुक्ति मिलेगी घर में शौचालय के होने से। हमें सुख चैन मिला शौचालय बनाने से, बीमारी भगाने से, स्वच्छता को लाने से। हमें सुख चैन मिला शौचालय बनाने से, बीमारी भगाने से, स्वच्छता को लाने से। जरा सी बात सुनो जिंदगी ये रंग लेगी, खुद की इज्जत करो तो दुनिया भी इज्जत देगी। हमारी शर्म हया है अपने ही हाथों में, बहक न जाना तुम कुछ ढोंगियों की बातों में। यही इरादा रखो साल दिन महीने का, हमारा हक बनता है सर उठा के जीने का। हमें सुख चैन मिला शौचालय बनाने से, बीमारी भगाने से, स्वच्छता को लाने से। हमें सुख चैन मिला शौचालय बनाने से, बीमारी भगाने से, स्वच्छता को लाने से।
दोस्तों कैसी लगी कवाली? आप हमें खत और फोन कर सकते हैं। तो बुआ जी और मुन्ना लेंगे सबकी खैर, सबसे अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। एनी टाइम एनीवेयर। हमारी मीना मानो मौत के मुंह से बचकर वापस आई है। बहुत खून बहा है, शरीर में बहुत कमजोरी है। मीना की जगह कोई और होता तो शायद टूट जाता, मगर मीना ने मौत को भी चुनौती दे दी। कैसे? मीना ने हिम्मत नहीं हारी। आप पर जो बीत चुकी है उसे बार बार मुड़कर देखना, यानी अतीत में जीना है, और गुजरे कल को दोहराना मतलब अपने आज का बलिदान करना है। लेकिन मीना ने तय कर लिया कि वो अपने आने वाले कल को गुजरे हुए कल से कहीं ज्यादा रोशन बनाएगी अपनी मेहनत और लगन से। इसमें हम सब के लिए एक सबक है कि या तो हर कठिनाई को मौका समझें अपने हालात से ऊंचा उठने का, या फिर उसे हार मानकर अपनी जिंदगी को कोसते रहें। ये याद रहे, जिंदगी हमें जीने वाली नहीं, हमें जिंदगी को जीना होगा। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। Thank you.